इस समय हम खनौरी बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान और जवान आमने सामने आप देख सकते हैं कि वहां से आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और साथ ही देखिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं ताजो किसानों को तितर बितर करने के लिए। लेकिन हज़ारों की गिनती में किसान जहां पर पहुंचे हुए हैं, माहौल जहां पर बेहद ज़्यादा तनावपूर्ण बना हुआ। मैं चाहूँगा कि जूम कर दिखाया जाए, ये तस्वीरें संगरूर के खनौरी बॉर्डर की हैं, जहाँ पर इस साइड जो किसान हैं और जो हज़ारों की गिनती में भारतीय किसान जुड़ सिद्धू पर आवाज़ सुन सकते हैं। ये आवाज़ें वो उन फायर की हैं जो कह सकते हैं कि किसानों को डराने के लिए जहां पर किए जा रहे हैं, उसके बाद आंसू गैस जो छोड़ी जा रही है, और क्योंकि उसके आगे भारी गिनती में कह सकते हैं पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। और देखिए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे जो सामने देखिए वो वहां पर वो खेतों में जो आप धुआं देख सकते हैं आसपास की, वहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो शंभू बॉर्डर था वहाँ पर हालात बने थे, उसके बाद ये हालात हैं वो खनौरी बॉर्डर के हैं, क्योंकि जहां पर हज़ारों की गिनती में भारतीय किसान जुड़े सिद्धूपुर की अगुवाई में किसान जहां पर पहुंचे हैं, किसानों और ये देखिए किसानों और पुलिस के बीच महज 100 फीट का अंतर है, जिसको लेकर वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां पर लगातार किसानों को डराने के लिए जो फायरिंग है वो लगातार हो रही है, ये देखिए जो तस्वीरें संगरूर के खनौरी बॉर्डर की हैं, जहां पर किसानों को तितर बितर करने के लिए ये जो आंसू गैस छोड़ी जा रही है, और सभी लोग सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे हालातों में। अब देखना होगा कि किसान इसके आगे जा सकते हैं या फिर वैसे ही जैसे शंभू बॉर्डर पर हालात बने वैसे जहां पर हालात बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसान और जवान आमने सामने हैं। बलवंत सिंह विक्की, आज तक संगरूर।